हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी डियर? आज रीडिंग लेकर आई हूँ आपके पर्सन की ओर से कुछ अर्जेंट मैसेजेस। आप सेपरेशन में हैं या फिर आपका लेस कांटेक्ट है, चेक करेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 हार्ट्स रख रखे हैं। मैंने 2 के लिए पहले सफलिंग की थी, फिर मैंने सोचा कि मैं लाइव करती हूँ तो इससे आप लोग ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे इन चीज़ों को लेकर। आपके पर्सन इस वक्त आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गाइड करें यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके पर्सन का क्या मैसेज है, गाइड करें यूनिवर्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है, गाइड करें यूनिवर्स। ओके, जितने कार्ड्स आते जाएंगे मैं उतने रखती जाऊंगी, आज मैं गिनकर नहीं रखूंगी। जिस हार्ट के लिए जितने कार्ड आएंगे ना, मैं उतने कार्ड यहाँ पर पुट कर दूंगी। ओके, कुछ मैसेजेस भी तीन कार्ड निकल कर आए हुए हैं। ओके, सॉरी, आज ये क्या हो रहा है बार बार। कार्ड नंबर 3 के लिए चाहिए। अब आप चाहें तो आप सफलिंग स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मैं सामने ही करूँगी सफल। शुरू करते हैं रीडिंग ग्रुप 1 के साथ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के मन के जानने के लिए कि क्या उनके पर्सन उनको मैसेज देना चाहते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। 4 यूनियन। आपके पर्सन इस वक्त कुछ एनिमीज से घिरे हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं लेकिन उन पर टेढ़ी निगाह रखते हैं। फैमिली मेंबर्स हैं, भाई बंधु हैं, लेकिन दिल में उनके प्रति बहुत दुश्मनी है, बहुत जलन है। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी वरीड हैं। थोड़ा इनके घर में कुछ इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है। सेकंड है यूनियन का। आपके पार्टनर बहुत क्रेविंग कर रहे हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी उनको पुल कर रही है आपकी ओर। मैसेजेस हैं, क्या तुम मुझसे दूर जा रही हो? वजह मत पूछना कि मैं तुम्हें इतना प्यार क्यों करता हूँ। आपके पर्सन का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि वजह मत पूछना कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूँ, कभी दूर मत जाना। तुम बहुत पसंद हो मुझे, ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। बहुत लवी डवी वाला मैसेज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, आप लोग ऐसे ही हमेशा ब्लेस्ड रहें। थैंक यू सो मच ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो।
हेलो ग्रुप नंबर टू, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस वक्त। ये मैसेजेस उनके बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं। ओके चाइल्ड, यहाँ पर चाइल्ड है तो या तो इस पर्सन की फैमिली में किसी के यहाँ बेबी बर्थ हुआ है। ओपन योर हार्ट, एडिक्टेड, रिलीज योर पास्ट। देखिए ये पर्सन अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या गुजर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर करते थे आपके साथ और समटाइम आपको हर्ट कर देते थे अपनी बातों से, और आप हमेशा ये सोचते थे कि आखिर इस पर्सन के साथ ऐसा क्या है कि आप इतनी इसके साथ नर्चर हो फिर भी ये पर्सन आपको समझ नहीं रहा है। तो रीज़न था इनके चाइल्डहुड ट्रॉमा। इनको बचपन में इस तरीके से अपलिफ्ट किया गया है कि इनको किसी का प्यार नहीं मिला, इनको हमेशा निग्लेक्ट किया गया है। इस वजह से इनके अंदर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें भरी हुई हैं। इस वजह से ये आपके साथ बैक एंड फोर्थ करते रहे, आपको हमेशा इन्होंने अंधेरे में रखा, कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी। इस वक्त ये अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं, इस वक्त ये सॉलिट्यूड फील कर रहे हैं। मेटामॉर्फिसिस का वक्त चल रहा है। जिस तरीके से एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है वो काफ़ी पैनिक टाइम होता है उसके लिए, उस तरीके से आपके पर्सन के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। लेकिन ये कुछ पुरानी हैबिट्स के साथ एडिक्टेड हैं जिसको इनको रिलीज़ करना है, और ये इनके लिए काफ़ी टफ हो रहा है। हालांकि ये इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। इनको किसी बात का एडिक्शन है, या तो ये चेन स्मोकर हैं या ये ड्रिंक करते हैं या कुछ और ऐसी चीज़ है जिससे इनको एडिक्शन है। रिलीज़ योर पास्ट, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि ये अपने पास्ट को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये इस ट्रॉमा से बाहर निकल आएंगे और आप दोनों के बीच में फिर से एक अच्छा कनेक्शन होगा, एक पीसफुल कनेक्शन होगा। ये ब्लैंक है, ये पर्सन अभी आपको कुछ मैसेज नहीं दे रहे हैं। इनका खुद भी माइंड वर्क नहीं कर रहा है कि इनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्योंकि इस वक्त ये मेटामॉर्फिसिस में है। समथिंग बिहाइंड द कर्टन, कुछ चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे से चल रही हैं। नंबर फोर, नंबर फोर आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर फोर, फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। मे बी ये पर्सन इन फ्यूचर आपसे मैरिज करने के लिए प्रपोजल्स सेंड करें, और नंबर फोर की एनर्जी एक कम्युनिकेशन की एनर्जी भी होती है। हो सकता है कि इनका आपके लिए कम्युनिकेशन आए आपसे ईमेल पर या व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर बातचीत हो। तो ये है ग्रुप टू के लिए उनके पर्सन के मैसेजेस। थैंक यू फ्रेंड्स अपना प्रेशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम ग्रुप नंबर थ्री, आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए थे। चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेज है। यहाँ मेक अ चॉइस, दिस कुड बी द वन। देखिए डियर फ्रेंड्स, इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप किसी एक डिसीजन पर अड़ जाइएगा या कोई एक डिसीजन आप ले लीजिएगा। मे बी आपने उनसे किसी तरह का कोई प्रॉमिस किया हो, या ये पर्सन थोड़े से इंडिसाइसिव हैं, उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है, और अगर है तो मुझे अभी क्लियर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक डिसीजन लो और मैं भी एक डिसीजन लूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट में रहें। और आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए स्पेशल हो और आप वही हो जिसका उन्हें जन्मों से इंतज़ार था। दिस कुड बी द वन, उनको ये लगता है कि आप वन एंड ओनली हो जो पृथ्वी पर उनके लिए आई है। प्रिजन एंड कॉन्टैक्ट सी,
देखिएगा, आप वेट कर रहे हो या फिर ये पर्सन आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, और किसी तरह की सिचुएशन है इनके साथ अभी जिसमें ये काफ़ी स्टक हैं, ये इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। मे बी ये मैरिड हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। कार्ड्स ऊपर कर दूं, आपको देख नहीं रहे होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ये आपसे सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रैप्ड है फर्स्ट मैरिज में, और उससे ये डाइवोर्स लेना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं उन सब चीज़ों से, लेकिन वहाँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो इस वक्त ये पर्सन बहुत दुविधा में है, इनको लगता है कि आप किसी और के साथ मैरिज कर लोगी या किसी और पार्टनर के साथ चली जाओगी, और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। आई लव यू द वे यू आर, आप जैसी भी हो आप इनको बहुत पसंद हो, क्योंकि इनको ये फील होता है कि आप एक ऐसी इकलौती पर्सन हो जिसको ये प्यार करते हैं। आई प्रोमिस नो वन विल एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। देखिए, ये पर्सन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इनको आपसे, और आपकी जगह कोई ले नहीं सकता इनकी लाइफ में। ये आपसे मैरिज करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इनके लिए स्पेशल हो, आप इनके लिए खास हो। इनको ये लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है। आई लव योर वॉइस, आई लव योर टच, यू आर माई लास्ट लव, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन। देखिए, ये पर्सन इस वक्त बहुत पैनिक सिचुएशन में हैं, इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के चली जाओगी, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को समझो, इनके साथ रहो, और आप इनके साथ रहना। इनका मैसेज देखिए, सारे मैसेजेस बहुत सिग्निफिकेंट हैं। तो उम्मीद करती हूँ डियर कि आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।